हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी नंबर पर अगर आप कॉल कर रहे हो अपने जियो के सिम से, तो कॉल एंड हो जा रही है, कॉल कट हो जा रही है, कॉल आपकी लग नहीं रही है जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हो, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हो अपने जियो के सिम से, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि जियो के सिम से कॉल इन प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं। और सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी सिस्टम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बट अगर आपके स्मार्टफोन के सेटिंग ऐप में रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ इस तरीके से ऑप्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है और अपने सेटिंग ऐप में आ जाना इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च आइकन देखने को मिल जाता है। हर एक स्मार्टफोन के सेटिंग ऐप में सर्च आइकन दिया होता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। इस तरीके से लिखकर सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम में ये कॉल इन प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, देन उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे सिम 2 में ये प्रॉब्लम आ रही है जियो के सिम में, तो इस तरीके से मैंने क्लिक करके कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर अब आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना लॉक स्क्रीन डाल दीजिएगा, जो भी स्क्रीन पर लॉक लगाए रहेंगे उसे डालकर ओपन कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीसेट सेटिंग्स का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नेटवर्क सेटिंग हैज़ बीन रीसेट हो जाएगा, यानी नेटवर्क से रिलेटेड जो भी बग रहेगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, एक काम और करिएगा कि सेटिंग ऐप को दोबारा से ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम में कॉल इन प्रॉब्लम हो रही है आपके जियो के सिम में, उसी सिम को यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे कि मेरे सिम 2 में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सिम 2 पर क्लिक कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट टू डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी बग रहेगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, लास्ट एक काम और कर सकते हैं कि अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करके एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट या रिबूट करने से ये होगा फ्रेंड्स, आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होगा और अपने आप ही ऑन हो जाएगा। उसका फ्रेंड्स, नेटवर्क से रिलेटेड और कॉलिंग से रिलेटेड जियो सिम में जो भी बग रहेगा आपका वो ठीक हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जियो का सिम वर्क करने लगेगा, इंटरनेट भी अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा और कॉलिंग भी अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप जियो के सिम से कॉल इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।